अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है और आज मैं एक चाइनीज़ एम्पलीफायर जो कि ऑल इन वन एम्पलीफायर है, इसमें ब्लूटूथ चिप और एम्पलीफायर एक ही साथ है, एक ही बोर्ड पे और काफ़ी छोटा साइज़ है इसका इसका रिव्यू करेंगे और चेक करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी, उसके अलावा इसकी डेटा शीट, साउंड आईसी की डेटा शीट चेक करेंगे कि क्या वाकई ये 25 वाट का आउटपुट देती है जैसा कि इस एम्पलीफायर के वेंडर ने इस पर शो किया हुआ कि 2x25 वॉट, यानी दो स्पीकरों में अगर दो स्पीकर पे कनेक्ट करेंगे तो ये 25 वॉट का आउटपुट देगा। तो हम इस बात को भी चेक करते हैं और इसके अलावा इसकी साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। पहले हम इसको 12 वोल्ट का इनपुट दे देते हैं कि जो कि इस पर मेंशन है कि 12 वोल्ट का इनपुट है। ये मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई, ये आ गई 12 वोल्ट की सप्लाई। पहले हम स्पीकर कनेक्ट कर लेते हैं। स्पीकर का आउटपुट जो है वो ये वाइट वाले कनेक्टर जो हैं ये आउटपुट स्पीकर्स के हैं, तो एक लेफ्ट और ये राइट हो गया, ये स्पीकर कनेक्ट हो गए हमारे। इसके बाद फिर हम इसको सप्लाई दे देते हैं। सप्लाई पे मेंशन है प्लस और माइनस, अगर ये यानी कि अगर ये आप रॉन्ग कनेक्ट कर देंगे तो ये बोर्ड जल सकता है क्योंकि इसमें कोई रिवर्स पोलैरिटी का सिस्टम यानी कि कोई डायोड वगैरह नहीं लगा हुआ इसमें, तो इस चीज़ को देख कर लगाएगा कि प्लस प्लस की जगह और माइनस माइनस की जगह। तो ये कनेक्ट हो गया, ये एम्पलीफायर ऑन हो गया। तो पहले हम इसको USB पे चेक कर लेते हैं कि USB का साउंड कैसा है इसका। ये जो स्पीकर है ये 6 ओम का एक स्पीकर है और 35 वॉट का इसका आउटपुट है, एक स्पीकर का 35 वॉट का स्पीकर है एक ये 6 ओम में। अब हम इसको ब्लूटूथ पे चेक कर लेते हैं कि ब्लूटूथ पे आउटपुट कैसा है इसका। इसका जो नेम है सिस्टम में जो शो हो रहा है वो JXBT के नाम से शो हो रहा है, तो हम JXBT के नाम से शो हो रहा है, ये कनेक्ट कर लिया है मैंने। इसके बाद मैं इसको प्ले कर लेता हूँ, ब्लूटूथ पे इसका साउंड था। अब हम इसको ऑक्स पर चेक कर लेते हैं कि ऑक्स पे इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। ये मैंने पॉज किया तो यहाँ पर भी पॉज शो हो रहा है, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है इसका। इसको मैं ऑक्स पे चेक कर लेता हूँ, कनेक्ट कर दिया मैंने इसको, इसका मोड भी चेंज कर देते हैं, ऑक्स पे कर देते हैं। ये ऑक्स पे आ गया और सेम टून जो हमने चलाई हुई थी वही हम इस पर दोबारा प्ले करते हैं। मेरे जीने का वाहिद करीना अली, दीने इस्लाम का है नगी। तो साउंड तो सेम आ रहा है इसका, USB हो चाहे ब्लूटूथ चाहे ऑक्स पे हो। अब हम इसकी जो साउंड है इसकी डेटा शीट चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ये 25 वॉट का आउटपुट दे सकती है या नहीं, या वेंडर ने वैसे ही लिख दिया इसके ऊपर 25 वॉट का आउटपुट है। साउंड क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है इसकी एम्पलीफायर की, बट जो आउटपुट पावर है मैक्सिमम वो ये देखें, अभी ये स्टेरियो मोड में जो कि हमारी सेटिंग है, इस एम्पलीफायर की जो सेटिंग है वो स्टेरियो मोड में है, अभी डुअल आउटपुट है इसका। तो इसका जो आउटपुट है वो 12 वोल्ट पे मैक्सिमम 20 वोल्ट दे सकती है, और जबकि वेंडर ने जो शो किया हुआ वो 2x25 वोल्ट है, ऐसा नहीं है, ये डेटा शीट है तो इसके हिसाब से होगा जो भी होगा। तो 4 ओम के स्पीकर में 20 वोल्ट का आउटपुट दे सकती है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती।
उसके अलावा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई हैं इसकी, कि ये 15 वोल्ट पे कितना आउटपुट देगी 8 ओम के स्पीकर में, 2x यानी कि 15 वोल्ट का आउटपुट देगी। जैसे जैसे ओम्स बढ़ते जाएंगे आउटपुट पावर कम होता जाएगा, और वोल्ट कम होते जाएंगे तो फिर भी आउटपुट पावर कम होता जाएगा। अब जैसे ये 9 वोल्ट पे 11 वोल्ट का आउटपुट देगी, और 7.4 वोल्ट पे 7.2 वाट का आउटपुट देगी 4 ओम के स्पीकर में। ये तो हो गई इसकी आईसी की डेटा शीट का डेटा। अब इसके बाद हम इसकी प्राइस देख लेते हैं कि कितने का मिल रहा है। ये दराज पे 917 रुपये का मिल रहा है अपग्रेडेड वर्जन के नाम से। इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है टोटल 917 रुपये का ये इसके प्राइस हैं, और 109 रुपये जो हैं इसके शिपमेंट चार्जेस हैं। शिपमेंट चार्जेस 109 रुपये हैं। इसका मैं लिंक डाल दूंगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।